नमस्कार। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम जीपीजी नोएडा के अंग्रेजी विभाग के छात्र एवं छात्राएं आज बात करेंगे 1857 के विद्रोह एवं उन्हीं में से एक महान योद्धा तात्या टोपे के योगदान की। आप सभी ने 1857 के विद्रोह के बारे में तो सुना ही होगा। 1857 के विद्रोह को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये विद्रोह 1857 में मेरठ से शुरू हुआ और जल्द ही दिल्ली, आगरा, लखनऊ एवं कानपुर में फैल गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे, अ सिपाही इन ब्रिटिश आर्मी इन मेरठ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियंस ड्यू टू टैक्स लॉज, सोशल रिफॉर्म्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन द आर्मी। The rebellion was led in the different parts of the country by many leaders such as Nana Sahib, General Bakht Khan, Rani Lakshmibai and Tatya Tope. Most valiant fighter of the rebellion was Tatya Tope. He was commander of the troops of Nana Sahib, adopted son of Peshwa Bajirao II. Today on 18th April, we are commemorating the martyrdom of Tatya Tope, an epitome of courage and fearlessness. तात्या टोपे का जन्म नासिक में 1814 में हुआ था। उनकी माँ का नाम रुक्मिणी बाई व पिता का नाम पांडुरंग राव था। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के काफ़ी निकट थे। पेशवा बाजीराव की कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने नाना साहेब को गोद लिया था, परंतु भारतीय राजाओं से उनका साम्राज्य छीनने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक कानून लागू किया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इनिशिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट वाज एक्सटेंसिवली अप्लाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंटिल 1859। The doctrine is stated that any princely state would be annexed by the British government if the ruler of the said state failed to produce an heir. This means that any adopted son of an Indian ruler would not inherit the title of his father. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बहाने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव की पेंशन नाना साहेब को देने से इनकार कर दिया व पेशवा बाजीराव की रियासत हथियानी चाही तब नाना साहेब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में उनका साथ तात्या टोपे ने दिया। तात्या टोपे के कुशल निर्देशन में नाना साहेब की सेना ने अंग्रेज़ों को कानपुर में कई बार मात दी। टोपे स्वतंत्र सेनानी नहीं अभी तो एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी में चारों ओर से घेर लिया था, तब तात्या टोपे ने ही उन्हें ग्वालियर पहुंचाने में उनकी मदद की थी। रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों के साथ लड़ाई में तात्या टोपे निरंतर उनके साथ खड़े रहे। तात्या टोपे अडॉप्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस व्हिच स्केयर्ड द ब्रिटिश। दे परस्यूड हिम relentlessly and finally in 1859 General Napier succeeded in capturing Tatya Tope due to the treachery of Man Singh, Raja of Narwar. The rebel hero of 1857, Tatya Tope, was executed by the British on 18 April 1859 in Shivpur. Do you know that the real name of Tatya Tope was Ramchandra Pandurang Yawal? Tatya was his childhood name, which means general, and Tope was a title which was given by him later, means cannon. During his lifetime, he fought 150 battles and killed 10,000 British soldiers. Rani Lakshmi Bai was Tatya's childhood friend. When she was killed by British in Gwalior, he cremated her and performed her at last rites. Nana Rao Park in Kanpur was made in honor of Nana Sahib and Tatya Tope. His statue also stands at his hometown in Deola. Tatya Tope was one of the most inspiring personalities of our freedom struggle. He was selfless, valiant and fearless. Today on his martyrdom, we the students of GPGC Noida salute.
इसी के साथ आज के इस बात को हम खत्म करते हुए विदाई लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।